हेलो फ्रेंड, अभी 2:30 बज रहे हैं तो अब चलते हैं कहीं बाहर, देखते हैं कोई अच्छा प्लेस, फोटो वगैरह लेंगे, उसको वीडियोस निकालेंगे, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे और ब्लॉग में एडिट करेंगे एंड फिर वही घर वर की जो थोड़ी बहुत मस्ती अपनी ऐड करेंगे ब्लॉग के अंदर। एक चीज़ भूल गया मैं, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम अली के घर चलते हैं, देखते हैं उसका क्या सीन है, फिर उसको लेके चलेंगे फोटो लेने और वीडियो बनाने। हम अली के घर के नीचे आ चुके हैं। आ गया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कहाँ चले भाई बताओ, आप बताओ। कहाँ? स्कोप मीनार के पास। चल चलते हैं, देखते हैं गाइस अब स्कोप मीनार पे कंटिन्यू करें। कभी कभी तो ऐसा लगता है आज ही जिंदगी ना पेट्रोल डलवाने में निकल जाएगी। ऐसा लगा मेरा मजाक। ऑर्डर चुप कर। आजा कम ऑन, वाओ, ध्यान से नुकसान ना हो जाए। बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे, हमने पहले भी कई लिए बाहर लिए फोटो यहाँ, और अब हमने सोचा कि अली ने बताया था मेरे को कि यहाँ चलते हैं, यहाँ फोटो अच्छे आएंगे, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पे फोटो वगैरह अपने लेंगे और इंस्टाग्राम की रील्स के लिए शॉर्ट निकालेंगे, शॉर्ट वीडियो, और यूट्यूब के ब्लॉग के लिए उसको लॉन्ग भी करेंगे। वैसे देखिए ऊपर से व्यू आता है, इसमें बस फ्लोर की हाइट है, इसमें यहाँ पार्क है। जलवा है हमारा। वैसे हमने फोटो वगैरह अपने ले लिए, ऊपर छोटी मोटी वीडियोस भी निकाली और जैसे चढ़ा था, अब घर चलते हैं, घर के पास की निकालेंगे वीडियोस और देखते हैं आगे। स्कूल की छुट्टी करिए, कुछ तो फ़ायदा हो। अभी हम फोटो लेंगे, उसके बाद घर जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, अपनी नमाज, कुरान शरीफ और फिर जिम। अगेन ले अगेन, और इसको अपना हुडी थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा हुडी ऊपर कर और उसके बाद दोबारा ऐसे ऊपर ले। चल एक बार ही लास्ट धूप आएगी। चल बढ़िया। तो फोटो वीडियो में लेने तो अपनी आया था, लेकिन इसके खत्म ही नहीं हो रहे।
नमाज़ हमको टाइम पे मिल गई थी अपनी मगरिब की, तो हमने नमाज़ पढ़ी है, अब हम घर जाएंगे और खाना खाएंगे। अरे खाए नहीं जा रहा मेरे से, वो तो टच भी नहीं किया है, एज इट इज ऐसी जैसे रखा हुआ था। ऐसे तो नहीं होता है। स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, ट्यूशन का टाइम हो चुका है, अब हम ट्यूशन चलते हैं और फिर ओके हम जिम जाएंगे। तो गाइस हम जिम के बाहर आ गए हैं अपने और एंट्री करने जा रहे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई। ये बॉय और चेस्ट डे में पूरा जिम फुल रहता है, हर कोई चेस्ट सारी बेंच बिजी रहती हैं। अगर आप लेट हो जाओ तो फिर मुश्किल ही है नंबर मिलना, इतना वेट करना पड़ रहा है एक एक सेट के लिए भी। चेस्ट का वर्कआउट होता है, लेकिन चेस्ट की कंपनी भी इतनी ब्यूटीफुल लगती है, इतनी प्यारी लगती है, पूरी बॉडी की शेप अच्छी लगने लगती है चेस्ट के पंप के बाद। शोल्डर भी अच्छा पंप होता है, ट्राइसेप्स भी, बाइट्रा सब पंप हो जाते हैं जिस दिन चेस्ट का वर्कआउट होता है अपना। जिम की छुट्टी हो गई है, अब देखते हैं घर जाके क्या करना है हमको। तो यार भाई सिर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। दादी मम्मी से बोलते हैं ना सिर दबाने को। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा हेडेक था, दादी ने सिर दबाया उससे रिलीफ मिला। आप लोग लाइक करिएगा प्लीज। सारा पकड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।